मेकिंग यू ऑल म्यूट, फिर जिसको कुछ बोलना हो तो वी कैन अनम्यूट यू, यू कैन टर्न ऑन द वीडियो कैमरास। सो आवर सेशन आवर्स हैज चेंज एज आई मूव्ड हियर टू दुबई। तो इधर इट्स 11 o'clock, 11 PM आप लोग के पास, आई थिंक इट्स 2 PM सेंट्रल टाइम पर द डिस्कशन। तो मैं देख रहा था कुछ नोट्स आए थे, इज देयर एनी सजेशन, या मैं व्हाट्सएप देखूं, बिकॉज पीपल सजेस्ट डिफरेंट बुक्स। किसी ने पूछा था हाउ टू ओवरकम एंगर, गुस्सा बहुत आता है, कितने लोगों को आता है गुस्सा और उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, पेशेंस करना चाहिए था। रेज योर हैंड, ठीक है, 1 2 3 4। सो दिस इज अ कॉमन थिंग राइट। और आज की फास्ट लाइफ में थोड़ा सा वैसे माइंड चार चीजों पे चल रहा होता है, तो जब भी वी आर ऑन 3 4 थिंग्स ऑल टुगेदर तो हमें गुस्सा ज्यादा आता है। एंड देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड, देर इज समटाइम्स हेल्थ इशूज, देर आर समटाइम फाइनेंशियल इशूज, देर आर समटाइम रिलेशनशिप इशूज, किसी को कुछ बोल दिया, किसी से कुछ सुन लिया, यू नो। तो एक तो वैसे ही चीजें चलती रहती हैं। सो एट द एंड ऑफ डे व्हाट वी डिस्कस्ड आउट लास्ट टाइम वाज कि हमें ईक्यू बहुत स्ट्रांग रखना है, बिकॉज ईक्यू इज समथिंग कि अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है तो आपको बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी लगती है, अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं है तो आपको छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगती हैं। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं, रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो जो लोग अग्री करते हैं मेरी बात से, लेट्स सी हमें गुस्सा आता क्यों है कॉमनली, एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड बी पॉन्डरिंग ओवर के यार ये क्यों आ गया, इतनी बड़ी तो गुस्से की बात नहीं थी। किसी को 5 मिनट में रियलाइज हो जाता है, किसी को 5 दिन में होता है, किसी को 50 दिन बाद होता है, किसी को 1 साल बाद होता है, बट हो जाता है, बिकॉज प्रॉफिट मोहम्मद हैज सेड कि गुस्सा इज द ओनली थिंग टू रिग्रेट, गुस्सा रिग्रेट्स के अलावा और कुछ नहीं लाता। डू यू ऑल अग्री विद दैट, रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो हम सब भी अग्री करते हैं, और यू ऑल आर सीनियर्स, माशाल्लाह आपने जिंदगी देखी है, बट फिर भी ये एक ऐसी चीज है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं आया, हम पैनिक आउट कर जाते हैं, एंड दिस इज रिगार्डलेस ऑफ द एज। यू कैन सी अ वेरी कॉम्पोजिट 13-year-old एंड यू कैन सी अ वेरी एंग्री 80-year-old। परवीन क्या वजह है, चाहूंगा तो मेरा लैपटॉप हिल जाएगा राइट। सो ठीक है, अपने लिए ताली खुद बचा लो, बिकॉज आई डोंट हैव दैट बिग टेबल हियर जो मेरी सारी सेटिंग्स होती है। ओके okay. सो दो चीजें बहुत अच्छी बोली, एंड लेट्स अप्रिशिएट परवीन। नरगिस का सुनता है, नरगिस क्यों आता है गुस्सा, एंड व्हाट्स योर रिलेशन टू इट, खुद के बारे में भी, और मौला अली क्या कहते हैं कि दूसरों की गलती से सीखो ताकि अपने ऊपर वो कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़े, राइट। तो कभी कभार हम आसपास भी देखते हैं वो इतना गुस्सा हो गया, क्यों हो गया, राइट, क्या नहीं करता तो गुस्सा नहीं आता, क्या करता तो ओवरकम। तो सिर्फ अपने ऊपर रख के नहीं है, कम्युनिटी अराउंड यू, लोगों को भी देख के बताओ कि क्या चीज सीखी हमने। कोनियल भी हो सकती है, यू हैव डायबिटीज, हाई ग्लूकोज इन द बॉडी, आप गुस्सा भी बहुत जल्दी होते हो, खुश भी बहुत जल्दी होते हो, यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, आपका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत तेज रहता है, आपको मौका ढूंढना होता है, बिकॉज इट्स लाइक चलता हुआ करंट है बॉडी में, राइट। उस करंट को कुछ भी मिल गया वो उसको मैग्नीफाई कर देगा, राइट। नाउ थर्ड थिंग इज विच इज मौला अलीज कॉल, यू नो द रिफ्लेक्शन की बुक में पढ़ता रहता हूँ, आई रियली लाइक इट, आप लोग भी बाय कर लो, इट्स ओनली 2 लाइन्स अ डे इफ यू रीड, मतलब वो एक बुक पढ़ने से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इमाम अली के जो प्रोवर्ब्स होते हैं उसमें इतना पोटेंशियल है। सो ही सेज के यू नो वन ऑफ द थिंग ऑफ द एजिंग इज कि एज के साथ इंसान को रिग्रेट्स बढ़ जाते हैं, राइट। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, राइट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं क्यों बढ़ जाते हैं। तो एक एक चीज एजिंग की भी है, तो जब हमें, या स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, क्योंकि सेशन यंगस्टर्स का नहीं है, जब उनको लगे कि यार हमारे सीनियर, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स गुस्से में हो रहे हैं, एंड इन टूडेज लाइफ व्हेन देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, लोगों में सुनने की पावर खत्म हो गई है, लोग कहते हैं भाई मैं भी इक्वल हूँ, वो भी इक्वल है, राइट। तो हमें ये देखना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाता है बॉडी में, कल को वी ऑल विल एज, और कुछ चीजें एज का भी मसला है। यू एट द एज ऑफ 30 और 40, योर फिजियोलॉजी इज नॉट सेम एज द पर्सन एज 50, एंड देयर फिजियोलॉजी इज नॉट द सेम एज द एज ऑफ 80, राइट। तो कभी कभार ये भी सोचते ना कि नहीं यार मुझसे बड़े हैं, जस्ट बिकॉज बड़े नहीं है उनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट हो गई है, वीक हो गई है, उनका हार्मोनियल इम्बैलेंस मुझसे ज्यादा है, तो उनको गुस्सा आना नॉर्मल है। हम लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि डेविल इज इन डिटेल्स,
तो डिटेल्स क्या है, हम लोग डिटेल में जाते हैं कि अच्छा मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर गुस्सा क्यों आया। ये एक माइक्रोस्कोप है, बट द अदर माइक्रोस्कोप इज कि रिगार्डलेस ऑफ के बात किसकी सही थी किसकी गलत, उसको 1 मिनट साइड में रख दो ड्रॉ में। ये देखो कि सामने जो है उसका फिजियोलॉजिकल मसला हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो आपको लगेगा अच्छा यार ठीक है इनको जा। आप लोग कितने लोग इस बात से अग्री करते हो, जब माइंडसेट ये बन जाएगा तो आपको लगेगा नहीं यार मैं गुस्सा नहीं हूँ, एंड बहुत सारे मौके पे जब यू वुड सी द वॉर्स एंड ऑल दोस सिचुएशन, ओल्ड ग्रेसफुल पीपल, कभी कभार जो किंग्स होते थे उसके सामने किसी के घर से कोई पास हो गया, किसी की डेथ हो गई, वो शोर कर देता था। और बादशाह तो जमाने के ऐसे थे कि तलवार से उड़ा देते थे सर, दे डोंट यूज टू आस्क कि यार किसने मेरे खिलाफ बोला। बट बहुत दफा वो समझते थे डिस्पाइट ऑफ बींग द किंग ऑफ द टाउन कि यार यू हैव गॉट द डेथ इन द फैमिली, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम्हारा गुस्सा जायज है। डू यू ऑल अग्री टू दैट, येस और नो? तो कभी कभार चीज सही या गलत है मैं नहीं जाना चाहिए, सामने वाले की कंडीशन देखनी चाहिए। तो हमने एक बात और आज सीखी, एंड थैंक यू नरगिस, के कंडीशन ऑफ द अदर पर्सन क्या है, इसको दिमाग में हम भी रखेंगे ना तो हम, क्योंकि मसला क्या होता है, देखो आधी से ज्यादा दुनिया में जो लोग बुराई करते हैं जिसको बैक बाइटिंग कहते हो, हमने बैक बाइटिंग के बारे में बहुत डिटेल में बुक्स भी पढ़ी हैं और इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट भी देखा है, कि हम बोलते हैं बुराई करना कोई गलत थोड़ी है, उसमें तो वो प्रॉब्लम है। तो नाउ व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बैक बाइटिंग? बैक बाइटिंग का मतलब ये है कि उसमें बुराई हो के ना हो, बुराई नहीं करनी, राइट? तो रिगार्डलेस ऑफ कि ठीक है उसके अंदर वो मसला है, बट आपको नहीं बोलना, आपको किसी का करेक्टर खराब नहीं करना, स्पेशली उसके पीछे से तो बिल्कुल नहीं करना, दैट्स प्रोहिबिटेड। खुदा को ये बात बिल्कुल नापसंद है कि उसके किसी बंदे को, उसी का बंदा दूसरों के सामने, और जब वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट नहीं क्या है, वीकनेस है, राइट? वो प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट होता तो ही कुड हैव डिक्लेयर यू, राइट, कि तुम अभी तुम फायदा उठा रहे हो बिकॉज वो प्रेजेंट नहीं है, राइट? एंड विद एजिंग लॉट ऑफ कंप्लेन्स एंड बैक बाइटिंग स्टार्ट। ये सारी मैं चीजें जो बोल रहा हूँ ना, ये बुक में स्टैट्स दिए हैं, ठीक है? तो दो चीजों को वो कोरिलेशन बहुत करता है, इसको आप लोग लिख लो अपने पास, गुस्सा एंड बैक बाइटिंग आर कोरिलेटेड। अच्छा कितनों को ये बात समझ आई, लेट्स ट्राई टू मेक कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ इट। परवीन, नवाब अली, ये कौन बोलता है? वो बोलता है जो खुदा का बेस्ट आदमी भेजा हुआ है दुनिया में, प्रॉफिट बोलता है, राइट? जिसको कुछ लोग नॉर्मल इंसान में नहीं बोलते, प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट नहीं भी मानते हैं वो भी मानते हैं उनकी बात, राइट? सो वो कहते, ये बात तो क्लियर है कि पेशेंस इज द स्ट्रेंथ, पेशेंट वीकनेस बिल्कुल भी नहीं है। डू यू ऑल अग्री विद दैट पॉइंट? रेज योर हैंड्स। कितने लोग अग्री करते हैं कि आज के जमाने में, और आज के जमाने में तो हमने बात की कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज EQ ढूंढ रही है भाई, पेशेंस ढूंढ रहा है लोगों के अंदर, ताकि वो लोग बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ कंपनीज बना के दे उनको, राइट? यही मिस हो गया है, क्योंकि कल तक IQ ढूंढ रहे थे, आज EQ ढूंढ रहे हैं, और EQ का 90% पेशेंस है, बर्दाश्त करना है, सबको सुन के साथ लेके चलना है, गर्म हो गए बूम 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 यू आर गॉन, यू नो, बिकॉज आप एक साथ 500 लोगों को लेके नहीं चल सकते। तो अभी जो आपने बात बोली ना, सुन लेते हैं, एक चीज थी सरेंडर की पोजिशन कि नहीं यार हम सही हो गलत हो सुन लेते हैं, राइट? परवीन लखानी ने एक बात बहुत अच्छी बात बोली थी कि गलत बात भी नहीं सुननी चाहिए, वो भी मना है, राइट? तो एक पोजीशन ऑफ सरेंडर है, सरेंडर कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ लेनी चाहिए, और उसमें भले आप गलत भी हो लेकिन आपको पता है नहीं यार, तो आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ट रहेगा कि नहीं यार मैं सही नहीं हूं लेकिन आज मुझे सुनना पड़ रहा है, मैं सरेंडर कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन एक चीज है कि नहीं मैं सही हूं लेकिन मैं इसलिए सुन रही हूँ कि जस्ट फॉर सेक ऑफ घर का माहौल अच्छा रहे, जस्ट फॉर सेक ऑफ मेरे में ज्यादा अकल है, मुझे गॉड ने ज्यादा कॉम्पोजिट बनाया, थैंक यू गॉड, ऊपर वाले का शुक्र किया, उसमें क्या हुआ आपके लिए ब्लेसिंग क्रिएट होगी। तो रादर देन आप नाराज होके पेशेंट होते कि नहीं यार मेरे पास क्या ऑप्शन बचा दुनिया में सुनने के अलावा, यस और नो, उसमें क्या हुआ आपका पर्सनैलिटी और कम हो गया। दूसरा था नहीं आज मैं चाहूँ तो एक एक को सीधा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ बिकॉज ऊपर वाले ने कहा है, और इसलिए कि मैं घर का बड़ा या बड़ी हूँ, राइट, या बिजनेस में बड़ा या बड़ी हूँ, या जॉब पे बड़ा या बड़ी हूँ, और मुझे पता है मैं उस फेज से निकल चुका हूँ, ये जो सामने वाला है ये लर्निंग स्टेज में है, तो ये मेरा जूनियर है इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। अब
गेम हो गया उल्टा। अब क्या हुआ, अब आप पोजीशन ऑफ वॉर में आ गए, बट आपने तलवार जो थी पीछे कर ली। आपने बोला मैं हर्ट किसी को नहीं करूंगा, हालांकि मैं तलवार चला सकता हूँ, लेकिन पहले में आपने तलवार फेंक दी थी कि नहीं यार मैं तो चला भी नहीं सकता, मुझे तो सरेंडर ही करना है। दोनों में माइंडसेट में क्या फर्क, हमने ये तो देख लिया गुस्सा इज अ स्ट्रेंथ एंड गुस्सा इज अ सरेंडर पोजिशन इज वेल, राइट? तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सरेंडर में आपको रिग्रेट होगा कि मैं कमजोर हूं, आई एम द पर्सन ऑफ वीक एबिलिटीज, आई एम द पर्सन जो कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, जितना भी दुनिया में ताकतवर आदमी होगा ना, इवन द किंग ऑफ द टाउन, वो किंग ऑफ द टाउन जो होगा वो भी कभी ना कभी सरेंडर करता है, या तो इसीलिए नहीं कि वो पोजिशन में नहीं है, बट वो इसलिए कि वो ज्यादा समझदार है। तो कभी कभार सरेंडर करना, आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सरेंडर करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, तो आपको लगता है आई हैव गिव अप, ठीक है? ये एक लूजिंग लूजर की फीलिंग है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, यस और नो? ठीक है, देखो खुदा ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत दफा कही, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो अमाल क्या है? पेशेंस, जवाब नहीं दे रहा, ठीक है? नियत क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। नियत ये थी कि मैं इसलिए सरेंडर कर रहा हूं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, या मैं इसलिए सरेंडर कर रहा हूं कि मैं कर सकता हूं बट मैं जस्ट लेट गो कर रहा हूं क्योंकि मैं सीनियर हूं, क्योंकि मैं माहौल खराब नहीं होना देना चाहता, क्योंकि मैं उससे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि 10 मिनट बाद सब भूल जाएंगे अगर रिएक्ट नहीं किया, बट रिएक्ट कर दिया तो 10 साल तक सबको एक दूसरे के डिफरेंसेस याद रहेंगे। डू यू ऑल अग्री टू द पॉइंट? नाइला, क्या बोलोगे इस बारे में? नाइला, आर यू विद अस? ओके, ठीक है। या हाउ टू ओवरकम एंगर का एक तरह से अगर मैं एक लाइन में एंगर को बताऊं तो पेशेंस ही तो है। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? रेज योर हैंड्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पेशेंस की, लेकिन हम उसको एक लाइन में पेशेंस को बताया तो हाउ टू ओवरकम एंगर की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब लेट्स से इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये तो कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट था। इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट अगेन इट्स माय फेवरेट, यू नो इमाम अली हैज सेड इन टू लाइंस, पेशेंस इज ऑफ टू काइंड्स। लिख लो, लिखना है तो, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट पेशेंस इज ऑफ टू काइंड्स। वन, यू आर इन अ पोजिशन टू रिटेलिएट एंड स्टिल यू डोंट, और यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू रिटेलिएट एंड यू सरेंडर, राइट? तो एक चीज आ गई कि सरेंडर कर दिया क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता भाई, सामने वाला इतना मजबूत है इमोशनली, फिजिकली, मनी वाइज, रिसोर्स वाइज, जॉब वाइज, वो मेरा बॉस है, यू नो, वो 10 साल से यहाँ है, मैं 2 साल से आया हूँ, 6 महीने से आया, मैं कुछ बोलूंगा मुझे फारिग कर देगा, डिस्पाइट ऑफ मैं सही हूँ गलत हूँ वो अलग रीजन है। वी जस्ट सॉ लास्ट 2 वीक्स, राइट? एक मेंबर ने पूरा स्टोरी शेयर किया एंड वी डिस्कस्ड इट, राइट? तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मैंने सरेंडर कर दिया, ये एक वो एक पोजिशन है कि मैं रिटेलिएट कर सकता हूँ, मैं सामने वाले को बिल्कुल ठीक ठाक सही कर सकता हूँ, मुझे ऊपर वाले ने पावर दिया है, मगर मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दूँ। एंड इमाम अली ने दोबारा प्रॉफिट मोहम्मद का सोल्यूशन वापस से बताया, तो उन्होंने बोला कि जब तुम कमजोर हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना यार, तो तुम क्या किसी का बिगाड़ोगे, यस और नो? तो बात ही खत्म हो गई। बात तो तब होती है जब तुम किसी के साथ कुछ करने का दम रखते हो, तब पेशेंस चेक होता है। तो पहले वाले में तो पेशेंस का नामो निशान वैसे भी नहीं है, इस बात को समझ लो। तुम बोलो मैं तो ये कर लेता, तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आधी लाइफ की सिचुएशन में तुम कमजोर होते हो, तो उस वक्त तुम्हारा सरेंडर के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, बहुत क्लियर कर दिया, राइट? जब तुम स्ट्रेंथ में होते हो तो तुम गॉड का थैंक यू बोलो कि तुमने मुझे स्ट्रेंथ में रखा है, मैं कमजोर भी हो सकता था इस पोजीशन में, राइट? बट तुम बोलो उस वक्त क्योंकि गॉड तूने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी है, मैं आज सामने वाले को सही कर सकता हूँ, ठीक है, चाहे आप यू नो मदर इन लॉ और आपकी डॉटर इन लॉ आपके सामने खड़ी है, लेट्स से मैं एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ, राइट? और आपका क्वेरल हो गया, आपने बोला मैं इसको सही करूँ कि ये मेरे को सही करेगी, वो टिपिकल सास बहू बॉलीवुड स्टोरी, राइट? तो इस वक्त अगर आप पोजिशन ऑफ सरेंडर में तो खत्म हो गई बात, हथियार डाल दिए, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ में हो तो आपने बोला नहीं यार क्योंकि मैं स्ट्रेंथ में हूँ, गॉड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू कीप मी इन द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ,
लेकिन मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट करूंगी, बिकॉज तूने मुझे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में रखा है। क्या हुआ, घर का माहौल अच्छा हो गया। रिग्रेट एक ऐसी चीज है कि सामने वाला, देखो जमीर हर इंसान में होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, दैट्स कॉल्ड सोल, राइट। वो आपको रियलाइज करा देता है गलती, चाहे आप बोलो नहीं बोलो, रियलाइज कराएगा। ये ऊपर वाले का उसूल है, ये आइंस्टाइन भी बोल के गया है, न्यूटन भी बोल के गया, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने किसी को हर्ट किया है, तुमको रियलाइज होगा, ठीक है। उस वक्त जब आप फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हो ना, तो आपने लाइफ टाइम और एक डोंकी की, ठीक है, लायन और डोंकी दोनों डिबेट कर रहे थे, शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी हो, एंड आई डोंट नो इफ द अदर मेंबर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द जूम कॉल और नॉट। और हो सकता है वो हर आदमी अपने आप को लायन समझता है, दूसरे को डोंकी समझता है ना, तो कौन डोंकी कौन लायन है अपने को नहीं पता, अपन जस्ट स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, 1 मिनट की। तो लायन डोंकी को बोलता है मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, डोंकी लायन को बोलता है चल भाई मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, लायन बोलता है कि तुम गलत करते आए हो, डोंकी बोलता है तुम गलत करते आए हो, तुम शेर हो, तुमने गलत किया, तुमको अथॉरिटी मिली, लायन बोलता है कि नहीं तुम बेवकूफ हो, तुम इतनी जोर से आवाज करते हो सब डिस्टर्ब होते हैं, तुमने मेरे को बोला मेरा ये खराब कर दिया वो खराब, यही सिचुएशन यही चल रही थी ना। डोंकी लाइन, डोंकी कौन है, लायन कौन है, मैं जज करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, ऊपर वाला जज करने वाला है, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ सारी 2 मिनट की, ठीक है। अब आप लोग समझ लेना सोल्यूशन इसमें से क्या निकलेगा। इतना फड्डा हो गया, आज टेक्स्ट आया, कल टेक्स्ट आया, उस जमाने में टेक्स्ट नहीं था, वरना वो टेक्स्ट भी करते, जूम भी करते, लायन डोंकी एक दूसरे को, राइट। तो लायन और डोंकी लगे हुए दे दनादन, राइट। पॉइंट क्या है, एक दूसरे को गलत साबित करना है, यही हो रहा है ना, डिबेट हो रहा है, केस गया अदालत में, ठीक है, बड़ा शेर लायन जंगल का जो मेन था सरदार, लायन भी बैठा हुआ है और डोंकी भी बैठा हुआ है, लायन के सामने लायन बैठा हुआ है, बट वो ऑनेस्ट है बिकॉज वो बादशाह है जंगल का, उसने कहानी सुनी, लायन ने भी बताया भाई ये मेरे को खराब बोल रहा है, तुमको तो पता है तुम खुद लायन हो, बॉस हो हमारे, राइट। और डोंकी बोलता है आप उसकी साइड लोगे क्या, मतलब ये देखो कि मेरे साथ क्या कर रहा है, मैं स्ट्रांग हूँ और ये मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इसको। तो लायन ने बोला 2 मिनट के बाद कि लायन को पकड़ लो और इसको सजा दो, 10 कोड़े मारो। तो डोंकी चले गया, बोला ये मैं जीत गया, मैं बोल रहा था, उसके ऊपर और हंसा, लायन और ज्यादा डिप्रेस्ड हुआ कि एक तो मेरे साथ इसने डिप्रेशन किया, फिर लायन ने भी डिप्रेस कर दिया। 1 मिनट मुनीरा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, कंप्लीट हो जाए। तो वो चला गया, फिर लायन आके बहुत रोता हुआ कोड़े खा के आया, लायन के पास बैठा, बोला क्या किया आपने लायन, मुझे तो समझते, आप तो लायन थे, आप तो समझते। बोलता है इस वक्त तो बात सही और गलत की है ही नहीं, तेरे को सजा इसलिए मिली कि तू डोंकी से बहस क्यों कर रहा था, ठीक है, तू लायन है, तुझे डोंकी से बहस करना शोभा ही नहीं देता है, तूने अपना टाइम वेस्ट किया इसलिए 10 कोड़े पड़े, सही गलत की तो बात ही नहीं है ना, राइट। तो शहनाज आप कौन हो, लायन हो कि डोंकी हो, क्या करना चाहिए, 10 कोड़े खाने हैं या नहीं खाने, राइट। आ गया ना सोल्यूशन, आ गया, ठीक है। तो लाइफ में कभी कभार पेशेंस ना लायन बनने के लिए भी करना पड़ता है कि यार कौन सही है कौन गलत है, खल्लास गेम इज ओवर, जब मैं जाके डोंकी के साथ बैठूंगा तो मेरे को कोड़े इसलिए पड़ेंगे कि सही गलत नहीं है, कि मैं लायन वाला मैंने काम किया कि नहीं किया, ओके। यस मुनीरा, लेकिन आई एम ग्लैड यू शेयर्ड द स्टोरी, बिकॉज इसके लिए बड़ी थैंक हिम्मत चाहिए, हर एक की बस की बात नहीं है। एक बात थी कि ये जो स्ट्रेंथ बियर करने से जो अपने अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भी तो आई है ना, अभी शहनाज के साथ हुआ या किसी के साथ हुआ XYZ, तो उस वो तो हिली हुई अंदर से, प्रदीप प्रमाणी तो सुकून में बैठ के एयर कंडीशन के अंदर आराम से दोनों सिचुएशन को देख रहा है, तो बोलना कल फरीद प्रमाणी के साथ खुद हो जाए तो वो क्या करता है, वो इम्पोर्टेंट है, यस और नो, राइट। तो जब हमारे साथ होता है ना तो हम रूल्स को भूल जाते हैं, पर करने के बाद सोचते हैं यार अच्छा ये तो रूल था, लेकिन उस वक्त याद नहीं आया, क्योंकि उस वक्त मतलब सबसे बड़ा कॉन्करर वो है जो अपने इमोशंस को कॉन्कर कर ले राइट टाइम पे, राइट। इसी को EQ कहते हैं। हर एक को पता होता है दुनिया में सही और गलत क्या है। तो एक हमारा टॉपिक जो इसमें से निकल रहा है ना कि ठीक है हमने मान लिया, लेकिन हम वो नेगेटिव एनर्जी जो हमारे अंदर भर गई पेशेंस के बाद उसको कैसे रिलीज करें, डू यू ऑल अग्री टू द पॉइंट, क्योंकि नहीं करोगे तो दिस विल बी सिकनेस और अ डिजीज, और आधे से ज्यादा आप सब पढ़ चुके हो मेरे साथ, स्लीप एपनिया, स्लीप्स के मसले, डिप्रेशन के मसले एंगर को दबाने से आते हैं, यस और नो, डू यू अग्री टू द पॉइंट, राइट। हमने इतनी बड़ी 18 साल की यूथ एथलीट देखा था जिसकी एनर्जी लेवल जीरो होना शुरू हो गया था एक पॉइंट पे, और वो मैराथन जीतती थी, और उसको सारे विटामिन डोजेस और सब देने के बाद
फाइनली पता चला साइकोलॉजिस्ट से कि उसको डिप्रेशन हो गया है, जिस वजह से उसकी एनर्जी खत्म हो रही है और स्लीप पड़ गई है, राइट। और वो हाई एनर्जी पोटेंट गर्ल से बिल्कुल लूजर बन गई थी। दूसरा, मुनीरा ने एक बात बोली कि क्या पेशेंस हमेशा रखना चाहिए, मतलब जब हम सही हैं। और अच्छा, अब इसमें डेविएशन आई। अब आपको चेक करना है कि लाइफ और डेथ का मामला है या ईगो का मामला है। मोटा मोटा मैं आसान जबान में दो चीजों में ब्रेक करता हूं, ठीक है। तो एक बात हो गई लाइफ एंड डेथ का, ठीक है, कि डिसीजन या बात इतनी चल रही है कि किसी के ऊपर इल्जाम लग जाए, किसी के ऊपर इज्जत खराब हो जाए, किसी के ऊपर कुछ ब्लेम आ जाए लाइफ टाइम के लिए, उस तरह का टॉपिक है, ठीक है। तो उस वक्त चुप रहना, या जिसको आसान जबान में कहा जाता है, हकदार को हक दिलाना, यू नो, फाइट फॉर द राइट। फाइट फॉर द राइट की सिचुएशन है कि नहीं है, ठीक है। और ये फाइट फॉर द राइट आपका भी हो सकता है, हो सकता है आप किसी कमजोर को गलत साबित हो रहा है उसको सही साबित करने के लिए बोल पड़े, राइट। या जिसको इस्लाम में कहा जाता है कि हक हक के लिए बात करना, ठीक है, तो द हक वालों के साथ है। तो हक वाले कौन है? हक वाले वो हैं जो के कुरान ही बताता है कि सही बात के लिए अपनी जान, माल, एनर्जी सब लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो, आप किसी ऐसी गैदरिंग में बैठे हो जिसमें आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, या आपके घर में ही बात हो रही है, और आपने बोला नहीं यार, आज चुप रहना नहीं बनता, आज हथियार डालना नहीं बनता, बिकॉज आज चुप रहने का मतलब है कि हमेशा के लिए स्टैंप लग गई, और ये ऐसी चीज की स्टैंप लग गई जो किया ही नहीं। लेकिन हमारा पता है प्रॉब्लम क्या है, ये सिचुएशन 1 in 100 टाइम्स में होगी। हमको ऐसा लगता है हर सिचुएशन इज लाइफ एंड डेथ की हो गई है, हमको हर डिबेट ही जीतनी है, मसला ये हो गया है। और 99% ऑफ द टाइम्स डिबेट का कोई रिजल्ट नहीं होता। वो एक कहावत है ना कि यू वन द डिबेट बट यू लूज द रिलेशन फॉर लाइफ, सुनिए आपने। तो आपने डिबेट तो जीत ली बट आपने दोस्त हमेशा के लिए खो दिया, आपने डिबेट जीत ली बट आपने रिलेशनशिप हमेशा के लिए खो दी प्यारों से, बिकॉज आधी से ज्यादा टाइम जंग किसकी हो रही होती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सही कौन है, गलत कौन हूं, मेरी सुन लो, मुझे कोई मना ना करो। या जो परवीन ने शुरू में बोला था, दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, तुमने मेरे अगेंस्ट में बात की, तुम्हें तो मेरी साथ बोलना चाहिए था, राइट। आपको उस सिचुएशन में वो देखना है कि क्या ये लाइफ और डेथ की सिचुएशन है, क्या मेरा रिएक्ट करना बनता भी है, या छोड़ो ना कौन जीतता है कौन जीतता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही नहीं कि मैं उसके लिए अपनी एनर्जी खराब करूं, राइट। तो उस वक्त आपने चुप रहा, आपने बोला नहीं क्या होगा, बात हो रही है कि मूवी कौन सी देखनी चाहिए, बात हो रही है कि कल खाना क्या पकेगा, बात हो रही है कि खाना अच्छा था कि नहीं था, बात हो रही है कि उसने मुझे आके, मेरी गलती भी नहीं थी, मैंने बैकबाइट भी नहीं किया, इल्जाम दे के चली गई, राइट। क्या ये लाइफ एंड डेथ की बात थी? नहीं, खत्म। तेरे को जो सोचना है सोचते रहे, बी हैप्पी, मैं तो चिल कर रही हूँ, राइट, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तू जो सोच, राइट। तो दिस वॉज द ईगो सिचुएशन। उस वक्त झगड़ा करते ना तो ईगो के लिए होती, राइट। इमाम अली वॉज ट्राइंग टू, ही वन द वॉर, एंड जो दुश्मन था उसने स्पिट किया, थूक दिया मौला अली पे, और मौला अली ने उस वक्त तलवार हटा ली, क्योंकि बोला कि अब अगर मैं तेरे को मारता हूं ना तो ये ईगो के लिए होगा, ये इस्लाम के लिए नहीं होगा, यानी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन नहीं थी। तो देखो कितना क्लियर वाकया है, कि आपको समझना पड़ेगा कि आज मैं बोलूंगा तो अपने ईगो के लिए बोल रहा हूँ या सच या गलत के लिए। और 99% ऑफ टाइम आप बोलोगे छोड़ो बेकार की बात है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। लेकिन जब 1% टाइम में सिचुएशन लाइफ में ऐसी आके खड़ी हो जाए कि अच्छा, अब मेरे सामने मेरे लव्ड वन भी खड़े हुए हैं, बट अब तो सही बोलना पड़ेगा क्योंकि अब कुछ गलत बात हो रही है, या किसी पे ब्लेम लग रहा है, या किसी पे, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। और इसको अप्रिशिएट किया, आपको पता है इस्लाम में उसको कहा जाता है स्टैंड ऑन योर फीट एंड टॉक, राइट, हक के लिए बात करो, क्योंकि उस वक्त जो चुप हो जाता है ना उसके ऊपर सिन है, यू नो दैट, राइट। और इसके बारे में ये तक बोला गया है कि आप गलत देख रहे हो तो बोलो, नहीं बोल सकते तो किसी और की मदद लो, और बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दिल में उसको गलत मानो, राइट, क्योंकि अगर दिल में भी गलत नहीं मानते हैं तो आपको इसका सिन मिलेगा। और ये सबसे कमजोर फॉर्म है रिटेलिएशन की। तो पेशेंस और ट्रूथ एंड फॉल्स की जंग को मिक्स मत कर देना, बट मकसद बताने का ये है कि ट्रूथ एंड फॉल की जंग रोज नहीं मिलती आपको, 1000 में से एक मौका ऐसा,
और हमारा क्या है, हम 999 सिचुएशन को बोलते हैं, नहीं आज तो मुझे जीतना है, आज तो मुझे बोला कैसे, मैंने सुना कैसे, मैं तो 20 साल बड़ी हूँ, अब तक तो घर में ये हो रहा था, लेट अब कैसे चेंज हो गया, सारा ईगो का मसला है। ईगो के लिए कभी भी नहीं लड़ना, और हम लड़ते ही ईगो के लिए, इस वजह से सब खराब हो जाता है। ये बात क्लियर है सबको? रेज योर हैंड, यस और नो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको क्लियर हो गया। अब आ जाओ, हाउ टू टेम योर इमोशंस, टैमिंग कैसे करनी है, ये जो इमोशंस आपने, तो स्टेज वन हमको क्लियर हो गया कि हमको हर बात में लिख लो अपने पास, आज की समरी ये है कि देखना है कि सिचुएशन ईगो की है या ट्रुथ और फॉल्स की है। ठीक है, आसान जबान में, इस सिचुएशन पर्सनल ईगो जस्टिफिकेशन या हक की बात हो रही है? 990 टाइम्स ईगो ही होगा, तो आपको रूल नंबर टू पे जाना है। एंड रूल नंबर टू क्या है, कौन बताएगा जैस्मिन? रूल नंबर टू क्या है, अगर ईगो की सिचुएशन आती है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक है, यानी भूल जाना है और माफ कर देना है। माफी चुप रह के भी हो सकती है, माफी ये भी बोल के हो सकती है कि मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं है, बट दैट्स ओके, लेट्स क्लोज द टॉक, ज्यादा इसको इशू को बर्निंग नहीं बनाना चाहिए। माफी ये भी हो सकती है, ठीक है तुम सही कह रहे हो, कोई मसला नहीं है, लेट्स आगे बढ़ते हैं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। सामने वाला आज नहीं तो कल रियलाइज करेगा, और वो और छोटा हो जाएगा अपनी नजरों में कि यार ये कितना ग्रेसफुल निकला, या ये कितनी ग्रेसफुल निकली, बिकॉज उसने उसका पी लिया, अच्छा। अब ये सब कर करके आपका हार्ट बहुत खुश रहेगा, आपसे दुनिया बहुत खुश रहेगी, आपके बहुत दोस्त बन जाएंगे, बिकॉज आपने देखा होगा वो लोग जो कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं। डू यू अग्री टू दैट, यस और नो? राइट, रिलेशनशिप्स खराब ही उन लोगों के दुनिया में होते हैं जो बूम 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 गुस्सा करते रहता है, राइट? ठीक है, लेकिन जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, उनके अंदर प्रॉब्लम होता है, राइट? उनके मसले होते हैं, उनकी स्लीप खत्म होना शुरू हो जाती है, और आप अबेड़ गिर देखना शुरू करो, अक्सर ज्यादातर लोग जिनकी स्लीप खराब है वो कॉम्प्रोमाइजिंग वाले मिलेंगे आपको, यस और नो? राइट, बर्दाश्त करने वाले मिलेंगे, क्योंकि अंदर भर गया, अंदर पूरा फायर हाउस भर गया है, और माचिस लगने की देरी है, पूरा एटम बॉम्ब जमा हो गया है। तो उस एटम बॉम्ब को, एटम बॉम्ब बनने से पहले टॉक्सिन्स हो जाते हैं ना बॉडी में, टॉक्सिन्स कैसे निकलते हैं बॉडी में से? ओके, इसको रिकॉर्ड कर लिया है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड भर गया है। टॉक्सिन्स निकलते कैसे हैं? अच्छा, इमाम सुल्तान अहमद शाह, इफ यू रीड द मेमोर्स ऑफ हिम, ही यूज टू डू किक बॉक्सिंग एट द एज व्हेन ही वाज सीनियर एज वेल। ठीक है, किक बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें, क्योंकि देखो इफ यू आर अ लीडर आपको बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है लाइफ में, राइट? स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, या एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है, क्योंकि आपने पंचिंग बैग ले लिया ना, और आपने डूम बूम 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 पंच किया, भले आप सामने वाले को समझ के पंच कर रहे हो या कुछ भी समझ के, आपने गुस्सा ले लिया अंदर, आपको एम्ब्रेस करना आ गया, अब उसको अंदर से बाहर भी तो निकालना है, तो आपने 1 माइल दौड़ लगा ली, थक गए इतना सांस फूल गया, सब निकल गया, ठीक है, क्या हुआ, एनर्जी निकाल दी, सो स्टार्ट वर्किंग आउट, जॉग करना शुरू कर दो, रन करना शुरू कर दो, ब्रिस्क वॉक शुरू कर दो। मेमोरीज ऑफ आगा खान में ब्रिस्क वॉक है, ब्रिस्क वॉक किसी को पता है क्या होता है? जनास, क्या होता है? बेसिकली तेज चलने को ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं। थैंक यू जस्मिन, थैंक यू मुनीरा, थैंक यू शनास। तो अब तेज चलना इज समथिंग दैट एनी सीनियर कैन ऑल्सो डू, राइट? थोड़ा सा जो अंदर एनर्जी भर गई है ना उसको, और एंड इफ यू कैन डू इंस्टेंट ऑफ ट्रेडमिल, इफ यू कैन डू आउटसाइड, आपको सीनरीज भी दिखेगी, नेचर भी दिखेगा। आज के जमाने में सीईओज को फॉरेस्ट वॉक कराया जाता है, हैव यू हर्ड दैट? फॉरेस्ट वॉक में जब वो जाते हैं उनको और एनिमल्स मिलते हैं, ऑल बर्ड्स चिरपिंग मिलते हैं, वो सब जब वो ले लेते हैं अंदर, तो उनके अंदर जो नेगेटिव, बिकॉज एक सीईओ जो 500 लोगों के टेंट्रम्स बर्दाश्त कर रहा है और कंपनी चला रहा है, आपको क्या लगता है अंदर से वो बहुत खुश है? ठीक है, अभी आप सब बोल रहे थे सेंटर पॉइंट का सीईओ अब मिलियन डॉलर की सैलरी ले रहा है, ठीक है, और कुछ मसला हुआ, ये भी देखो 10,000 एम्प्लॉयज को मैनेज करना आसान बात है, राइट? कितने टेंटर्म्स थ्रो कर रहे हैं लोग, कितने इश्यूज हैं, कितने टेक्नीशियंस हैं, सब हार्ड टाइम दे रहे हैं,
उसको $1 मिलियन इसलिए दिया जाता है कि वो 10,000 लोगों को बर्दाश्त कर रहा है और चला रहा है, येस और नो, राइट? सो लीडरशिप की पोजीशन आसान नहीं होती, बहुत लोगों को सुनना भी पड़ता है और कभी कभार पेशेंस रख के, तो वो आदमी जो होता है ना वो भर जाता है, ही इज फुल टिल हियर, राइट? तो उसके लिए कुछ चीजें इनमें से करना बहुत जरूरी है, एंड वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू इज किक बॉक्सिंग, पंचिंग पैड ले लो, क्योंकि इट्स ऑल्सो वेरी हेल्दी, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही है, स्पेशली आफ्टर 40। आज मेडिकल साइंस कहता है कि आपको वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए, भले लाइट करो, आपकी ऑस्टियोपोरोसिस खत्म हो जाता है, बोन जो ब्रिस्क हो जाती है, मतलब टूटना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी बोन्स, उसमें स्ट्रेंथ आती है। वेट लिफ्टिंग कर लो, रन कर लो, ब्रिस्क वॉक कर लो, ठीक है, स्विमिंग, स्विमिंग लाइट स्पोर्ट है, उससे इतना एनर्जीज नहीं निकलती हैं, ठीक है। डांसिंग कर सकते हो, बहुत तेज डांस या जूम्बा कर लो, यू नो समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ है कि आपको अच्छा क्या लगता है, लेकिन इतना हैवी होना चाहिए कि एनर्जीज निकल सके। कुछ नहीं करना ना, बिल्कुल आसान, गुस्सा खत्म करना है लाइफ से, लाइफ में कोई हैवी स्पोर्ट ले आओ, जब हैवी स्पोर्ट आ जाएगा ना गुस्सा खुद ही निकल जाएगा, क्योंकि एनर्जी बचेगी नहीं ना, नेगेटिव एनर्जी आई, आधा घंटा वर्कआउट किया, निकल गई निकल गई निकल गई, भर नहीं रहे, ठीक है। जिस तरह बैटरी चार्ज होती है ना, 10% 20%, उसको चार्ज ही नहीं होने दो, 10% आए वापस फोन यूज कर लो, बैटरी खत्म, 20% हो वापस, तो गुस्सा आए वर्कआउट कर लो, वर्कआउट कर लो, एक हैबिट बन जाएगी। और एक कहावत है, फर्स्ट यू मेक योर हैबिट्स, देन योर हैबिट मेक्स यू, राइट? तो इस तरह से हम खत्म करते हैं आज का वर्कशॉप, एंड आई थिंक आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत डीप था, तो उसको समराइज करते हैं। व्हाट वी लर्न, हमने लर्न किया जो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर चुके थे, बट मुझे इस पे कंटेंट बनाने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने आज 3 से 4 बुक्स ली हैं, एक बुक भी नहीं है, 4 बुक्स की समरी है, ठीक है, कि हाउ टू ओवरकम एंगर, और एंगर को वन वर्ड में हमने बोला पेशेंस, और हमने ये देखा कि आधे से ज्यादा जो मसले हैं ना पेशेंस में, वो दो सिचुएशन में होते हैं, एक होता है जब आप पोजिशन ऑफ लाइफ आपको दो सिचुएशन पे लाके खड़ा करती है, जब आप कमजोर होते हो तो आपके पास सरेंडर के अलावा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, जब आप ताकतवर होते हो तो आप या तो सामने वाले को सही कर सकते हो या तो उस वक्त भी बर्दाश्त कर सकते हो, तो उस वक्त कहा गया कि बर्दाश्त करो एंड बी थैंकफुल टू गॉड, जिससे आपको और स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, ये पूरा फ्लो ऑफ द प्रोग्राम है, नंबर 2 उसने बोला, जब भी कोई सिचुएशन हो देखो कि वो सिचुएशन ईगो का मसला है या सच और झूठ की वॉर है, और 990 टाइम्स ईगो का मसला होगा, ठीक है, खाली 1% जो होगा वो ट्रूथ एंड फॉल्स की बात, आपका मसला है, आप हर जगह लड़ना शुरू हो जाते हो, जस्ट बिकॉज मैं सही हूँ दूसरे गलत है, सुनना सबको मुश्किल लगता है, तो 990 टाइम्स तो आपको शेर और डोंकी का वाक्य याद कर लेना है, कि शेर को कोड़े इसलिए पड़े थे कि वो सही था नहीं, वो डोंकी से बहस कर रहा था, तो आपको देखने है, सामने वाला डोंकी है, ही यू आर हैप्पी इनसाइड, राइट? लेकिन दुनियावी तौर पे शेर चुप था, डोंकी के डैंचू डैंचूस पे ही वाज नॉट रिएक्टिंग, राइट? सो यू हैव टू सी दैट दुनिया विल बी बार्किंग डॉग, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू वांट टू बी लायन यू हैव टू कीप क्वाइट, एंड तीसरा फॉरगिव एंड फॉरगेट, बट 1% ऑफ द टाइम जब आपको लगे कि नहीं यार आज तो बोलने की बारी है, तो अपनी सॉर्ड को मैदान से बाहर निकाल लेना, फिर आपके आप बादशाह हो, जो करना है कर दो, सर काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो, यू नो, बिकॉज अब आप जंग में हो। प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जिस वक्त बोलने की बात होती है ना, आधे से ज्यादा लोग उसी वक्त चुप होते हैं, ठीक है, तो गलत टाइम पे चुप हो जाते हैं और सही टाइम पे बोल पड़ते हैं, राइट? सो वी हैव टू रियलाइज कि बोलने का टाइम क्या है, और कम होगा, 1% ऑफ द टाइम जंग होगी, हमेशा जंग नहीं होती रहती दुनिया में, राइट? 99% ऑफ टाइम ईगो की बात है, तो अगर हम इसको एक वर्ड में सम अप करें पेशेंस को, तो मेन मसला है ओवरकमिंग ईगो, आधे से ज्यादा दुनिया आज गुस्से में इसलिए कि सबके ईगो बहुत बढ़ गए, चाहे बच्चा हो के बड़ा हो, और आधे से ज्यादा लोग गुस्से में इसलिए है कि मुझे कैसे बोला, मुझे कैसे गलत साबित किया, मुझे क्यों नहीं सुना, मुझे क्यों बेइज्जत किया, मेरी तो इतनी, हम बोलते सामने तो हमारा तो ईगो है ही नहीं, शुक्र मौला हमसे हम्बल, तुम्हारा मीटर है तुम देख लो गुस्सा तुमको कितना आता है, दैट्स द मीटर के बॉडी में फीवर कितना है,
है, शुगर इज अ साइलेंट डिजीज, मुझे शुगर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अरे तुमको कैसे पता, ग्लूकोज मीटर लगाओ फिर पता चलेगा, सो एंगर इज योर ग्लूकोज मीटर, राइट। आज की ज्यादा सारी डिजीजेस जो है वो व्हाट्स द वर्ड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, राइट, बोलती नहीं है बट चेक करना पड़ता है। बुखार होता है हाथ लगा के पता चलता है, शुगर होती है पता नहीं चलता, ग्लूकोज मीटर बताता है। सो एंगर इज योर ग्लूकोज मीटर ऑफ ईगो, जितना ईगो होगा उतना गुस्से वाला आप होगे। और ज्यादा तो लोग जो हम्बल होते हैं ना, ये मेरे लिए भी बड़ी नई बात है, मैंने 3 बुक्स को कहा कि मैंने कहा ना, आई ऑलवेज लर्न अलहमदुल्ला व्हेन आई टॉक टू यू, बिकॉज हम सब मिलके बहुत दफा ऐसी समरी निकाल लेते हैं ना कि हमारी लाइफ बदल जाती है, हमको पता चलता है ओ कहानी तो ये थी, तो कहानी गुस्से की आज समझ ये है कि भाई सारा का सारा मसला ही ईगो का है। तो वो लोग जो सेल्फ एम्पावरमेंट में बैठे हुए हो ना, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए स्पिरिचुअली, या ग्रेसफुल बनना चाहते हो, या फ्रेंड्स ज्यादा चाहते हो, या चाहते हो लोग आपको पसंद करें, तो ईगो खत्म करना पड़ेगा। और हर आदमी को लगता है उसमें ईगो नहीं है, ईगो है, क्यों, जब तक गुस्सा है तब तक ईगो है। जिस दिन आप में गुस्सा खत्म हो जाएगा ना, आपको और आपके आसपास वाले बहुत खुश रहेंगे, उस वक्त आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको पता चलेगा आज मेरा ईगो सही हो गया। मजा आया, लेट्स क्लैप फॉर द टॉक, और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड आई थिंक दिस टाइम इज बेटर, हमारे लोग बढ़ रहे हैं, एंड देन फॉर दोज हु कुड नॉट अटेंड वी विल शेयर द जूम लिंक, ठीक है, थैंक यू।